चलो दोस्तों थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते थोड़ा रिकैप। तो पिछले ब्लॉग में हमने देखा, हम गए थे विशाखापट्टनम और हमने देखा रामकृष्णा बीच और देखे ऋषिकुंडा बीच और देखे और अरे और कुछ नहीं देखे। चलो जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मारते और चलते हैं आज के ब्लॉग में। मेरे ऊपर से हम लोग एसी ट्रेन में भी घूमे, वो ट्रेन भी ऊपर है, वो भी एसी वाला। यार ऐसा कहाँ पे मिलता है, ये विशाखापट्टनम में मिलता है। और यहाँ से सीधा आप देखो तो कैलाश गिरी। अभी यहाँ पे हम जाने वाले थे लेकिन रोप वे है जो बंद है, 2 o'clock चालू होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे आके लंच करेंगे। लंच करने के बाद जस्ट 300 to 400 meters डिस्टेंस है, वहाँ पे जाके रोप वे पकड़ के जाएंगे कैलाश गिरी। वहाँ पे बाई रोड भी आप जा सकते हो, बाई रोप वे भी आप जा सकते हो। तो हमने प्रीफर किया कि रोप वे में जाएंगे, रोप वे में जाने का अलग मजा रहता है, घर में तो हर जगह घूमते हैं। तो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो इंडिया में ओनली वन है और यहाँ पे विशाखापट्टनम में है। और मैं इतना अनलकी हूँ कि मैं आज देख भी नहीं पाया उसको। मैं उसके लिए ही सोचा था मैं पूरा फुल टाइम दूंगा वही चीज़ देखने के लिए, लेकिन माई बैड लक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इंडियाज ओनली वन एंड ओनली सबमरीन म्यूजियम। ये पूरा ओरिजिनल सबमरीन है, इसको बनाया नहीं गया, इट इज ओरिजिनल सबमरीन जिसको बाहर रखा गया कि सब लोग देख सके उसको। इज ओरिजिनल सबमरीन बट कोरोना के लिए इसको बंद किया गया है क्योंकि इसके अंदर का जो जगह है ना वो छोटी सी रहती है, तो मतलब हम सोशल डिस्टेंस जो बोलते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बंद किया गया है। एक्चुअल मुझे यही सबमरीन को ही देखना था, मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं था, बीच था और नेक्स्ट जो था ये सबमरीन था। माई बैड लक ये बंद किया गया है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और इसके अंदर जाके हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। मतलब इतना बड़ा जहाज जो है वो पानी के अंदर ही रहता है। ये उसका पीछे का हिस्सा है, वो फैन लगा है वो समझ में आ जाता है, वो आगे का हिस्सा होगा। और दिस इज द सबमरीन म्यूजियम, उसके फ्रंट में यहाँ पे रखा है विमान संग्रहालय जो एयरक्राफ्ट म्यूजियम है वो रखा है। फिलहाल गर्मी तो है लेकिन रोपवे में जाएंगे और शाम तक उधर ही रुकेंगे क्योंकि रात का भी व्यू जो है ना कैलाश गिरी का वो भी सुपर है, जबरदस्त शानदार है। तो अभी हम कैलाश गिरी रोपवे में जा रहे हैं। एंट्री फीस 5 rupees और रोपवे का जो रहेगा वो 100 rupees अलग सा लगेगा पर हेड। वैसे रोड से ऊपर आने का सीढ़ी से तो भाई स्टेप्स और साफ जा सकते हो, और ये रोपवे से जाने का ये रोपवे एंट्री 100 rupees चाइल्ड 60। ये टिकट काउंटर, तो रोपवे का टिकट दो हो गया 100 rupees 200 rupees। अभी स्टेप्स लेके थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, इधर भी सोशल डिस्टेंस 1x1 जाने का है। मेरा मास्क जो है नीचे गिर गया तो मैं दूसरा मास्क लिया, उसमें पॉकेट में सैनिटाइजर रखा है उसको स्प्रे किया फिर पहन के आया। ये ऊपर से रामकृष्ण बीच का व्यू, नोटू पतलू है इधर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, देर बहुत रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रोप। मोटू पतलू कुछ होगा तो बचाने के लिए लोग आते हैं। मोटू पतलू चालू हो गया, ऊपर से सिग्नल मिलता है तभी ये चलता है। ये हमारा आ गया रोप वे, इधर मैं बैठूंगा। ओ भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आप अभी ये सीजन में बताओ। मैं तो चला भाई रोप वे में चला। स्मूथ हो गया, स्मूथ हो गया। वाह वाह वाह, क्या व्यू है, क्या व्यू है।
अरे ऐसा 3D जैसा लग रहा है, मैं उड़ के जा रहा हूँ रियली। आई थिंक और थोड़ा आगे जाएगा, वो भी है कि वो हिल हिल के जा रहे थे। अभी खोलेंगे डोर भाई, ब्रेक लगाओ, ब्रेक ब्रेक नहीं लगाना लगेगा लगेगा। चलो ट्रेन है, और ट्रेन अभी ये कैलाशगिरी के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। ये हमको एक राउंड लगाएगा। कितना प्राइस है? 110 रुपीज। 110 रुपीज में आपको पूरा जगह घुमाएगा, मनाली, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, केरला, सब घुमा लेगा। चलो ट्रेन में बैठ जाओ। ये ट्रेन नहीं है, ये तूफान है, तूफान। ये वाली इधर घुमाएगा, दो राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा, इधर रखेगा, बस बस चालू हो जाएगा। कंडक्टर आ गया, चालू हो जाता है अभी। Here is the Lord Shiva and Parvati, owner of the mountain. मैं देखा था इमेज में, गूगल इमेज में, यहाँ पे मस्त लाइटिंग वाइटिंग होता है, लेकिन अभी पानी नहीं है, मैं भी बंद हो गया होगा। ह्यूज स्टैचू है और बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेन स्पॉट है। From Kailashgiri. समंदर के किनारे बैठ के हम चना खाएंगे, हो हो हो। भाई वो समंदर है ना, उसका एंड किधर है मुझे बताओ एक बार। एंड पानी का एंड दिख नहीं रहा है बिल्कुल। सुपर यार, जबरदस्त। तो भाई ये रूम पे आ गए हम लोग, और हो गया शाम के 5:35। अभी घूम के आज दो चीज देखे, एक्चुअली तीन चीज देखना था, उसमें एक नहीं देख पाई ड्यू टू कोविड। मतलब हर चीज में कोविड ना टांग अड़ा के रखा ही है, तो उसका टांग को काटना पड़ेगा। सो एक चीज फर्स्ट जो था वो बीच पे गए थे हम, और देन हम लोग ये जाना था हमको वो सबमरीन म्यूजियम में जो बंद है। थर्ड हम लोग गए उधर कैलाशगिरी हिल्स,
सो कैलाशगिरी हिल बहुत अच्छा जगह है। मतलब ऊपर से हम लोग एसी ट्रेन में भी घूमे, वो ट्रेन भी ऊपर है, वो भी एसी वाला। यार ऐसा कहाँ पे मिलता है, ये विशाखापट्टनम में मिलता है। बहुत ही अच्छा जगह है विशाखापट्टनम, जितना देखा उतना अच्छा है। और ये जो सी बीच का जो रोड है ना, सुपर है, माइंड ब्लोइंग। मतलब 5 से मैं उसको 4.5 और 5.5 दे दूंगा मैं मार्किंग। कोई भी आओ तो सी बीच रोड पे ही रहो, और इधर ही मतलब चलते चलते आप घूम लो, आपका माइंड एकदम फ्रेश, आपका दिन बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। देखो शाम हो गया अभी 5:35, और ईस्ट में ना, ईस्ट में थोड़ा जल्दी मतलब सनराइज होता है और जल्दी सनसेट हो जाता है। तो अभी बस आधा एक घंटा बाहर थोड़ा घूम के आएंगे, अपना पर्सनल टाइम देंगे विदाउट एनी ब्लॉग। सो यहीं पे रखता हूँ वीडियो को। और भाई जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब करो यार, अपने दिल से करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करना है करो, पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये दोनों कर लो बस।